नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खेल से जुड़ी खास खबर। बीच मैदान पर आपस में भिड़े पाकिस्तान क्रिकेटर, सरफराज ने मारी बाबर आजम को लात। वर्ल्ड कप के लिए अब महज कुछ ही दिन बचा है, इस दौरान सभी टीमों ने अपनी अपनी रणनीति शुरू कर दी है। इस बीच पाकिस्तान से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैच खेल रही है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 20-20 और 5 वनडे मैच की सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने 29 अप्रैल नॉर्थ हैम्पटन शायर के साथ हुए अभ्यास मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद एक शर्मनाक हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। मैच के नॉर्थ हैम्पटन शायर पहले बल्लेबाज कर रहे थे। इस दौरान विकेट कीपिंग कर रहे पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद अपने साथी खिलाड़ी बाबर आजम के पास गए और दोनों भिड़ गए। देखते ही देखते सरफराज ने आजम को लात मार दी। सरफराज की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मीडिया में सब जगह उनकी छींछी हो रही है। क्रिकेट के इतिहास में 5 सबसे मोटे खिलाड़ी जो लगाते हैं ताबड़तोड़ छक्के। क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। इस खेल में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान फिटनेस पर देना पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण विराट कोहली से लेकर एबी विलियर्स तक है। फिटनेस के मामले में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका केवल काफी हाई है, जिसमें हार्दिक पांड्या के KL, राहुल धोनी समेत ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं। इन सब के बावजूद क्रिकेट के इतिहास में सबसे मोटे खिलाड़ी का नाम भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल है, जिसमें सबसे पहला नाम रहीम कॉर्नवाल का आता है। उनकी ऊंचाई और वजन सबसे ज्यादा आता है। युवराज सिंह ने भारत के अलावा इस टीम को भी बताया वर्ल्ड कप का दावेदार। 2011 वर्ल्ड कप के जीत के हीरो रहे युवराज सिंह ने आगामी वर्ल्ड कप के लिए 2 टीमों को प्रबल दावेदारी बताया है, जिसमें एक का नाम भारत बताया। हालांकि 30 मई से इंग्लैंड में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, सभी क्रिकेट प्रेमियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप के दावेदारी को लेकर कई बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारत और इंग्लैंड उनके फेवरेट है। वही तीसरे स्थान के लिए युवराज ने ऑस्ट्रेलिया का नाम बताया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।